सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मलिक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फेसबुक के आईडी पे अनलिमिटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, वो भी बिना अपना रियल अकाउंट यूज़ करे। मीन्स आप अपना रियल अकाउंट नहीं यूज़ करेंगे पर आपके रियल अकाउंट पे ही आएंगी रिक्वेस्ट। इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, एक तो आपका रियल अकाउंट, एक फेक अकाउंट। जो कि फेक अकाउंट हम यूज़ करेंगे वो है एक साइट पर यूज़ करना है हमें। तो सबसे पहले मैं आपको अपना रियल अकाउंट चेक कराता हूँ, जो कि है आदिल मलिक नाम से, ये आप देख सकते हैं। तो प्रोफाइल पे जाते हैं हम और देखते हैं हमारे कितने फ्रेंड्स हैं एंड कितने फॉलोअर्स हैं। तो ये लोड हो चुका है, तो देख लेते हैं कितने फॉलोअर्स हैं। 220 फॉलोअर्स हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2113 फ्रेंड, मतलब 2113 फ्रेंड्स, ठीक है, और 220 फॉलोअर्स। तो हम अगर अपने अकाउंट पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। तो फॉलोअर्स पर आप ज़्यादा चिंता ना करें, आपको फॉलोअर्स भी मिलेंगे साथ में। तो सबसे पहले आपको अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड आता है पहले से ही, वो यूज़ करिए, या फिर क्रोम ब्राउज़र, इन दोनों का यूज़ करिए। तो मेरे मोबाइल का ब्राउज़र ये रहा, तो हम इससे ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमें यूआरएल सर्च करना है एक। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो यूआरएल। आपको टाइप करना है web.com। शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए खास कर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए आगे तक। तो सिंपली सर्च कर दीजिए web.com। तो ये हमारे सामने साइट ओपन हो चुकी है, अब हमें सिंपल स्क्रॉल करना है एंड जो भी आपको चाहिए सिंपली हम यहाँ पे आए हैं ऑटो फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए। तो ऑटो फ्रेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड ध्यान रखिए आपको इस साइट पे अपने फेक अकाउंट से लॉगिन करनी है, और ये मैं आपको बता दूंगा जल्द ही क्यों। तो जैसा कि ये साइट हमारे सामने इस वक्त ओपन हो चुकी है, अब हमें सिंपली स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे हमें 3 स्टेप जो कि आप फॉलो करनी है आपको। साइट तो हमारे सामने पहले ही ओपन हो चुकी थी, अब हमें सिर्फ 3 स्टेप जो फॉलो करनी है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं जो इन्होंने मेथड बताया है। एक हमें अब टोकन जनरेट करना है, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप टोकन जनरेट करेंगे और जो कि हमें टोकन मिलेगा वो यहाँ पे पेस्ट करना है एंड लॉगिन कर लेनी है। तो क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिए अब यहाँ पे। सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन कर लेनी है। तो जैसे कि मैंने ईमेल आईडी से फेक अकाउंट बनाया था एक, एंड अब मैं पासवर्ड दे देता हूँ एंड अब यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक करना है। ये सबमिट पे क्लिक कर दीजिए एंड अब आपको जो कि दिख रहा है ग्रीन बॉक्स में, जो भी टेक्स्ट जो भी लिखा है सारा का सारा आपको कॉपी करना है, ध्यान रखिए पूरा का पूरा। तो हम ऑल कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल एंड कॉपी। तो ये हमारा कॉपी हो चुका है, अब इसे सिर्फ नीचे पेस्ट करना है यहाँ पे जो खाली बॉक्स है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड यहाँ भी अब हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो हमारा सबमिट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे हमें एक बॉक्स में कुछ टाइप टेक्स्ट मिला है, जो कि हमें यहाँ से उठाना है, यही हमारा टोकन है। तो इसे कॉपी यहाँ से उठा लीजिए कॉपी करके, या कट भी कर सकते हैं, कट कर लेते हैं हम सीधा। एंड जो कि हमारा पुराना वाला टैब था, मीन्स पुराना पेज था, उस पर जाएंगे हम। ये रहा हमारा पुराना वाला पेज web.com पे, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जो हमने वहाँ से उठाया एंड प्रेस पेस्ट। तो ये हमने पेस्ट कर दिया है, तो अब हमें सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन करने के बाद जैसे कि आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो चुका है, तो आप इस पर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मेरा फेक अकाउंट है मलिक मलिक नाम से, इससे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें यूज़ ऑटो रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है।
तो अभी हमारे सामने फिर पेज ओपन हो गया नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमें मी एंड कस्टम का ऑप्शन आ रहा है। मी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो हमने इस आईडी से लॉगिन करी इसी आईडी पे रिक्वेस्ट आएंगी एंड फॉलोअर्स भी। और अगर हम कस्टम पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा जिसमें प्रोफाइल आईडी मांगी आएगी हमसे। तो ये रहा ऑप्शन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्रोफाइल आईडी देनी है। वो प्रोफाइल आईडी कहाँ से मिलेगी वो आपको मैं अब दिखाने जा रहा हूँ। जो कि मेरा रियल अकाउंट है मैं वहाँ से ही प्रोफाइल आईडी उठाऊंगा। तो ये रहा मेरा रियल अकाउंट। यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करके ये अबाउट पे क्लिक कर दिया हमने। तो ये हमारे सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें देख सकते हैं हम स्क्रॉल करते रहेंगे तो हमें प्रोफाइल आईडी मिल जाएगी जो कि यूजर नेम टाइप हमें मिल जाएगा। तो ये रही हमारी प्रोफाइल आईडी फ्रेंड्स, ये रही। यहाँ पे आप फेसबुक लिखा देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल आईडी ये रही। तो सिंपली अब क्या करना है इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये पूरी कॉपी कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी ना करके आप वहाँ पर सीधा टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से प्रोफाइल आईडी कॉपी कर ली है। अब आपको वहाँ पे जो आपका ब्राउज़र है जिसमें आपने मांग रहा आईडी आपसे वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये रहा मेरा ब्राउज़र, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। एंड अब हमें आई एम नॉट रोबोट के बॉक्स पे क्लिक करना है इसी वेरीफिकेशन के लिए। समझ नहीं आ रहा तो अब यहाँ पे हमें स्ट्रीट साइंस क्रिएट करके वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। वेरीफाई एंड सेंड ऑटो रिक्वेस्ट टू माय फ्रेंड्स। तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के पास भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ऐसे यू आर ये आईडी उठा के। तो मैं अपनी रियल आईडी आईडी पे भेज रहा हूँ। तो पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ मेरी आईडी पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है। सो सिंपली फ्रेंड रिक्वेस्ट पे जाते हैं। देखिए कुछ हैं ज़्यादा तो नहीं है। देखिए नो रिक्वेस्ट आई भी मेरे अकाउंट पे भी इस वक्त। अब हम जैसे सेंड ऑटो रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, फॉलोअर्स मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे 220 हैं। तो सेंड ऑटो रिक्वेस्ट टू माय फ्रेंड्स पे क्लिक कर दिया है एंड अब हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। बस कुछ सेकंड्स लगेंगी। तो इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगी। देख सकते हैं कुछ टाइम इसमें ज़रूर लगा है पर ओपन हो गया। तो अब हम अपना अकाउंट चेक करते हैं कितनी रिक्वेस्ट आई। सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करना है आपको एंड आप चेक कर सकते हैं। तो कुल 13 आई हैं पर अब देख सकते हैं अभी हम देखते हैं सी ऑल पे क्लिक करके कितनी आई। 13 रिक्वेस्ट आ चुकी है हमें इस वक्त। तो ये हमारे सामने हमारी आईडी ओपन हो चुकी है। मैं आपको फिर फॉलोअर्स अपने चेक करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 234 फॉलोअर्स आ चुके हैं अब जो कि पहले 220 थे। तो ये फॉलोअर्स भी थोड़े थोड़े बढ़ेंगे अभी। तो आप इस साइट का यूज़ करते रहिए, आप बड़ी जल्दी अपने फॉलोअर्स एंड फ्रेंड बढ़ा सकते हैं। इससे होगा ये आपके लाइक्स एंड कमेंट्स भी आते रहेंगे आईडी पे। आप इस साइट का आराम से यूज़ करते रहेंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय एंड